छोटों से लेकर बड़ों तक, बड़ों से लेकर बूढ़ों तक सब इस खबर को सुनते ही बेहाल हो गए, खलबली मच गई सब में कि आखिर क्यों किया गया टिकटॉक को बैन। तो सबसे शुरुआत से हम शुरू करते हैं। 3 अप्रैल को मद्रास हाई कोर्ट में एक अपील दी गई कि टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए, पर आखिर क्यों? इसकी वजह जो हमारे सामने आई है वो है कि इस ऐप पर एडल्ट कंटेंट पोस्ट किया जाता है। कहना ये भी है कि टिकटॉक के कारण हमारे देश की संस्कृति भटक रही है, एक बुरा असर डाल रही है। क्या टिकटॉक पूरी तरह बैन हो चुका है? जो यूथ कभी सड़कों पर पार्क में जाकर कंटेंट क्रिएट करता था, अपनी वीडियोस बनाता था, देश तक अपने टैलेंट को पहुंचाता था, आज वही यूथ सड़कों पर और पार्कों में जाकर इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि आखिर टिकटॉक को क्यों बैन किया गया। तो आइए अब हम अपनी संवाददाता से जुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या है अब देश का हाल। तो हेलो सुरुचि, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? क्या आप हमारे दर्शकों को दिखा सकती हैं कि क्या हाल चल रहा है, कैसे लोग इस चीज पर रिएक्ट कर रहे हैं टिकटॉक के बैन? तो भावना मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ कई लोग दुख में टिकटॉक बना रहे हैं, आइए जानते हैं उनसे उनके विचार। आइए आप इतने दुखी क्यों हो? टिकटॉक बैन हो गया ना? आपको ये जानना जरूरी है कि टिकटॉक सिर्फ और सिर्फ न्यू डाउनलोडर्स के लिए बैन हुआ है। आप जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं अपना काम चालू रख सकते हैं। सच में? जैसा कि आपने देखा कि एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ गई थी लोगों में, जबकि उनको पता लगा कि टिकटॉक सिर्फ न्यू डाउनलोडर्स के लिए बैन हुआ है। यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल है, मैं वहाँ पे देख पा रही हूँ कुछ ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक को शुरू से ही समर्थन नहीं करते थे, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शुरू से ही टिकटॉक के सपोर्ट में थे। तो आइए जानते हैं उन लोगों का आपस में एक दूसरे की तरफ क्या विचार है। फाइनली इस टिकटॉक पे बैन लग गया, मतलब यू नो डे वन से मुझे ये चीज कभी पसंद ही नहीं थी। धन्यवाद सुरुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बाहर का हाल दिखाने के लिए। तो हम आज जुड़ गए हैं एक टिकटॉक के इन्फ्लुएंसर के साथ, जो हमें बताएंगे कि अब क्या हाल चल रहा है और उनके क्या व्यूज है टिकटॉक के बैन पर। तो मिलिए इनसे, द फेमस इन्फ्लुएंसर ऑफ टिकटॉक। तो 17 अप्रैल को जब 10 बजे टिकटॉक पे बैन किया गया और उसे प्ले स्टोर और एप्पल आई स्टोर से हटा दिया गया, तो उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था? मैं सिर्फ अपने फॉलोअर्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ। टिकटॉक पे बैन अनाउंस हुआ, आई वाज टोटली शॉक्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हम कंटेंट क्रिएटर्स, हम पे बैन लग गया है, हमारे आर्ट पे बैन लग गया है। बट देन वी वर इन्फॉर्म्ड कि नो, सिर्फ न्यू डाउनलोड्स पे बैन लगा है। माई करेक्ट? या न्यू डाउनलोड्स पे बैन लगा है। And we, the content creators, those who are already there on that app and जो कि सिर्फ entertainment के लिए वहाँ पर हैं, वो app को उसी तरह से use कर सकते हैं। Like I was so relieved कि मैंने 2 TikToks और बना दिए उसी खुशी-खुशी में। And yeah, that's it. तो अगर आप इनकी बात पर गौर करें तो एक तरह से art पर लग गया है ban. तो हम आगे बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनके views क्या है, क्योंकि बहुत लोगों ने, हेटर्स ने अगर हम कहें तो, कमेंट किया है कि क्या होगा टिकटॉक वालों का, जो टिकटॉक बनाते थे उनकी रोटी पानी बंद हो जाएगी। तो आप क्या कहना चाहेंगी इस पे? इस बारे में मैं डेफिनेटली यहाँ बात करने सिर्फ इसी बारे में आई थी कि जो ये हेटर्स हैं, those who think, those who are saying कि हमारी रोटी पानी बंद हो जाएगी, देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हमें सिर्फ टिकटॉक की नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बेसिकली हमारे पास हमारे फैंस हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी है, दोज हु ट्रस्ट अस, दोज हु फॉलो अस, जिनके लिए हम ये सब करते हैं। ऐप बैन हुआ है, हमारी कम्युनिटी बैन नहीं हुई है। एंड द सेकंड थिंग आई वांट टू से अबाउट दीज हेटर्स, कि अगर आप हमें इतना हेट करते हो, देन व्हाई आर यू ऑब्सेसिंग विद अस, व्हाई ऑलवेज चेकिंग आवर प्रोफाइल्स एंड आवर
in our videos and commenting the hates on that. वो तो आप तभी करते हो ना when you are checking us out. Then why do you stop it? Just go away. Thank you so much. और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इनको कहते हैं अलविदा. तो अब हम आगे बढ़ते हैं और do follow me on TikTok और जानते हैं कई और कहानियाँ. ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਗੇ ਫਿਰ ਟਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਮ ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਛੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਰੱਬ ਨੇ ਗਾਉਂ ਮੈਂ ਤੋ ਆਪ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਬੈਨ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ पर अभी भी इसका निश्चित फैसला हमारे पास नहीं आया है. क्या नए टिकटॉकर्स इसे इंस्टॉल कर पाएंगे या पुरानों के भी हाथ से ये निकल जाएगा. तो 22 अप्रैल को आएगा निश्चित फैसला. पर जो टिकटॉकर्स इसे ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उनको मैं सावधान कर देना चाहती हूँ कि आप इसे गलती से भी अनइंस्टॉल ना कर दें, क्योंकि एक बार ये अनइंस्टॉल हो गया तो वापस इंस्टॉल नहीं हो पाएगा. तो इसे यूज करते वक्त सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि एक बार ये ब्रो चला गया ना तो फिर वापस नहीं आने वाला. मेरे साथ हो गया पर चलो YouTube पे है. सो इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ बिग बैड थम्स अप एंड मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि अगर हमने कोई भी टाइप मिस कर दी हो और आपकी फेवरेट टाइप कौन सी थी. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम वी आर ऑन YouTube एंड हियर वी आर फ्रॉम द बीज.